कहाँ से? बरेली से, बनारस से जो मंदिर मंगाए वो बनारस कोई मंदिर नहीं आता था। नहीं आता है। बनारस बरेली से आता है सर, इलाहाबाद का जो लोग अरे मोहल्ला वोल्ला होगा ये कभी कहाँ से लेकर यही वाला से ले आते हैं ये कैसे लोग यहीं से मनीष कहाँ कहाँ से लेकर आते है। अतर सुइया है वो थाने के पास है ना दुकान। थाने के पास बड़ी दुकान किसकी है यहाँ पे? वही है मनोज की। अतर सुइया वहाँ पे वही थाने अतर सुइया के पास थाने के पास ठीक मंदिर के बगल। ये जो जगह आपने बताई है इन जगह को मेरा नोट करिए। बहुत लोग थे लेकिन वहाँ से लोग ले आते थे आपकी दुकानों के जरिए। यहाँ का सबसे मशहूर पतंग बाज कौन सा है? ये प्रयागराज में चाइनीज मंझे से घायल होने की कई घटनाएं हुई। विगत एक माह में लगभग दो या तीन ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें बाइक से, स्कूटर से या साइकिल से जाते हुए लोगों को पतंग के मंझे की डोर से घायल होना पड़ा। इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे प्रयागराज सिटी में और देहात में भी जहाँ भी चाइनीज मंझे बेचे जा रहे हैं या चोरी छिपे बेचे जा रहे हैं उनको हम लोग चिन्हित करने के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, आज ये एक व्यापक स्तर पे बरामदगी हुई है सर्किट्री के क्षेत्र में। इसमें क्षेत्र अधिकारी को लगाया गया था और ये प्रयागराज के लोगों से भी अपील है कि इस तरह का मंझा ना बेचें जो इतना घातक है जिससे जो जानलेवा भी हो सकता है। और इसमें हम लगातार अभियान चलाएंगे और पूरी तरीके से चाइनीज मांझे को जो भी बिक्री हो रही है उसको बंद कराएंगे। अपने आप डाल देते हैं।